कृपा कटाक्ष माजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भागवत भ्रमा रवीन हंस गाम श्रीदंत पान पादन निरंतरम श्रीकृत प्रतीति नंदनम गति कथा करी सतीय मां कृपा कटाक्ष माजनम सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह उपा प्रभासारेन्दुमन्दीप्रचिन्द्रकरोचनी तथा कलीयमा कृपा कटाक्षमाजनम अरोन्मदादिरोहणे प्रमोदमानमन्दिते कणाभिराजपन्दिते अनन्यघनकुञ्जराज्य कामकेलिकोपिते कदा करीषीयमा कृपा कटाक्षमाजनम् अशेषहावभावधीरहारभूषिते प्रभूतशाचकुम्भकुटिकोम्भकुभिकुर्तनि रसमन्दहासचूर्ण पूर्णशौचसागरि कदा करी सतीयमा कृपा कटाक्ष विनालबालवल्लरि तरङ्गतरङ्गदोलति तथा कलाशकौशीलोचनावलोकने लल्लुलल्लिलमनोजमुक्तमोक्तनादिते कदा करी सतीयमां कृपा कटाक्ष सुवर्णमालिकाङ्कित त्रिनेककम्पुकण्ठके त्रिलोचमण्डली गुण त्रिरत्नकीर्तिदीपति सरोलनीलकुन्तल प्रसूर्णगोचगुम्फिते सदा करी सतीयमां कृपा कटाक्ष नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तमतीङ्किणी कलापमाजमञ्जुरे हरीन्द्रचुण्डदण्डिका परोशौभगौरुगे कदा करी सतीयमां कृपा कटाक्षमाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुरपुरारवर्धल रमाय राज हंसमीपनाथि गौरवि विमोलहेमवल्लरी विलम्बितारुचक्रमे कदा करी सतीयमा कृपा कटाक्षमाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मदार्जिते अपारीनगे सदा करी सतीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अहेश्वरी त्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी भारतीश्वरी प्रमाणदाशनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी कृपा कटाक्ष माजनम् जय राधे।
हरे कृष्णा। हम इससे पहले निस्तान है, फिर हम कहा गए थे? नंद भवन जा हरी बोल। हरे कृष्णा। सभी लोग जानते होंगे कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हरी बोल। हरे कृष्णा। देखो हम गुरु वैष्णव के अनुमति में यहाँ पर वर्ष 84 को उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें वैष्णव के अनुमति में पता लगता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग 99% लोग ये जानते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, लेकिन मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ। वहां क्या हुआ? आविर्भूत हुए भगवान किसके गर्भ से? देवकी मैया के गर्भ से। और जिस स्थान पर हम अभी दर्शन करते हैं नंद भवन, वहां पर कृष्ण भगवान ने यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिया है। जन्म अर्थात नाड़ी छोड़े, शास्त्र बोले। हम किसकी बात का संपूर्ण रूप से विश्वास करेंगे? शास्त्रों की बात को, क्योंकि शास्त्र कोई साधारण पुरुष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, शास्त्र भगवान के द्वारा लिखा हुआ, भगवान के द्वारा बोला हुआ, तो हम शास्त्रों को ही मानेंगे। जिस प्रकार छोटा सा उदाहरण, अगर किसी डॉक्टर को हम कोट पैंट उसका जो ड्रेस है वो पहनने के बाद बोलेंगे कि डॉक्टर है नहीं, लेकिन जब तक उसकी हम डिग्री नहीं देख लेंगे तब तक हम उसको डॉक्टर नहीं मान सकते। इसीलिए शास्त्र बोल रहे हैं कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, गोकुल में होकर नाड़ी छेदन हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से हुआ। और जिस स्थान पर हमने दर्शन किया था वहां पर नंद बाबा अपने दातुन साफ, मतलब दातुन से मंजन, मतलब मंजन करते थे वहां पर, अपने दांत साफ करते थे उसी स्थान पर। और वहीं पर ही नंद बाबा के जो भी सगे संबंधी थे उनकी सबकी हवेलियां वहीं आसपास में ही है। वहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण मेला हुई दीपावली के दिन, जो कि कार्तिक में आती है। वहां पर यशोदा मैया की जितनी भी जो काम करने वाली गोपियां थी, जो काम करने वाली स्त्री थी, वो सब उस दिन छुट्टी पर चली गई थी। यशोदा मैया ने ही उनको वहां पर भेज दिया था कि आप जाइए और अपने जो उत्सव बनाइए। तो उस दिन यशोदा मैया सुबह जल्दी उठकर कृष्ण के लिए मक्खन बनाती है, मक्खन तैयार करने के लिए बिलोती है। उसी समय कृष्ण भगवान से उठकर मैया के पास आते हैं, मैया को बोलते हैं, रो रो कर आते हैं और बोलते हैं मुझे दुग्ध पान कराओ। उनको मैया दुग्ध पान करवाती है, तो कृष्ण तो यशोदा मैया दुग्ध पान करवा रही है, क्या करवा रही है? उनको दुग्ध पान करा रही है। उसी समय जब देखा यशोदा मैया ने कि चूल्हे पर दूध उफन रहा है, तो उसी समय यशोदा मैया ने वहां पर उनको नीचे रख दिया, नीचे बिठा दिया कि बैठो यहाँ पर, और उन्होंने दूध को संभालने के लिए चले गए। तो उसमें यशोदा मैया की भावना क्या है कि वो जो दूध है वो अभी अगर उफन के गिर गया तो सेवा में नहीं लग सकता, कृष्ण की सेवा में, इसीलिए उसको बचाने के लिए
उन तक जो दूध उत्पन्न रहता है उसको उन्होंने बचाया, क्योंकि कृष्ण को तो बाद में भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान नाराज हो गए और रोकर बाहर चले गए और वहां पर चुपचाप उत्पन्न पर छड़कर और माखन की चोरी करने लगे। वहां पर बंदरों को, कौओं को, इत्यादि लोगों को माखन चोरी करके खिलाने लगे। और वहां पर जो आपने उखल के दर्शन करे थे, वहीं पर ही यशोदा मैया ने उनको उखल बंधन किया था, वहीं पर ही मांगा था। तो ये वहां की सारी लीला है। वहां पर ही कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूर्णा का वध किया था, फिर शत्रुसुर का, फिर प्रणावर का, ऐसे करके वहां की सारी लीलाएं हैं। अभी हम लोग जिस स्थान पर है, नाम का है रावण, राधा रानी का जन्म स्थान, हमारे महाराज जी उनके विषय में कुछ बताएंगे आपको, आप सुनिए। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी ने एक अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाए। अगर आप लोग भागवत ग्रंथ पढ़ो ना, जितने जगत में जितने कथा करने वाले होंगे, बताओ कृष्ण कहाँ जन्म हुए, कहाँ की बात बताते हैं? मथुरा। लेकिन कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण जो जन्म हुए गोकुल में जन्म हुए। इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। आनंद किसको भयो? वसुदेव को भयो ना, नंद को भयो। आप लोग इसलिए ये रहस्य अच्छे तरह से समझो। ये क्या रहस्य? बड़ी गहरा रहस्य है, इसके पीछे बड़ी गहरा रहस्य है। कहते जो वसुदेव महाराज ये पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा थे, ये दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए विष्णु, बोले वर्मा गोबर प्रभु आप देश में के लाला चाहिए। भगवान ने कहा भैया गरीब देश तुम्हें लाला होते ही गरीब देश तो नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लाला बनकर के आ जाऊँगा। जो नंद और यशोदा, हाँ कहते ये पूर्व जन्म में, ये नंद पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे, ये भी ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब तपस्या की तो ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले ब्रह्मा को बोले हम चाहते, वसुदेव महाराज ने क्या मांगा? आप जैसे पुत्र चाहिए। लेकिन ये जो द्रोण और धरा उन्होंने क्या मांगे? बोले प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे उनकी नारी चरण होती है, जैसे उनको पल्ले में झुलाती हैं, जैसे उनको स्तन पान करते मेरे को कहती जाएंगे, ब्रह्मा जी उनमें तथास्तु करती। तो तथा तो बोल दिए, अब ये दोनों की इच्छा पूरी करना पड़ेगा, ये दोनों की इच्छा पूरी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण को मथुरा में प्रकट होते हुए दिखाए। क्या हुए? माता किस किस ने बच्चे जन्म दिए? हाथ उठा को कौन कौन माता है? अरे हाथ उठा, मैं एक अच्छी चीज समझाना चाहूँगा। हाँ देखो, ये चीज जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको नाड़ी काटी जाती कि नहीं होती है ना? लेकिन देवो की वसुदेव को जन्म में नाड़ी काटी है? भागवत सुने है ना, जिस समय भगवान प्रकट हुए पहले जन्म के लिए, भगवान पहले चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, दिया कि नहीं दर्शन दिया? बच्चा कभी दर्शन देता है चतुर्भुज रूप में? इतने में श्री भगवान ने देवो की वसुदेव बोले आप तो हमने पुत्र रूप में मांगा था, पुत्र रूप में मांगा था, आप कहीं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो? चलो देखो, अभी मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा, अभी मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा, और मेरे को तुम यहाँ से लेकर के गोकुल में रख करके आ जाना है। इतना बोले, इतना बोलते ही जो चतुर्भुज रूप में जो दर्शन दिया था, झट एक छोटा बालक बन, जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था ना, झट उसने एक छोटा बालक बन गए हैं। ये तो हो गया मथुरा की। अभी ब्रज की कथा सुनो, ब्रज की कथा। आप बोले भैया कहाँ कृष्ण जो जन्म हुए गोकुल में, यहाँ प्रमाण कहाँ है? देखो भागवत में चार पांच श्लोक उदाहरण देता हूँ। पहला जो श्लोक है, जब ब्रज कृष्ण रास से जब अंतर्ध्यान हो गए, जब ब्रज गोपियाँ बैठ करके कीर्तन गा रही थी, ये गोपी गीत का पहला श्लोक है। किसको बताए पहला श्लोक? बताए आपको? पता नहीं, देखो श्लोक बोले जयती तेधिका जन्म ना ब्रज, कौन कह रही है? राधा रानी ब्रज गोपियाँ। जन्म नाम ब्रज, कृष्ण कहाँ जन्म हुए? ब्रज में जन्म हुए। कौन कह रहे हैं? राधा रानी कह रही है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब नंद महोत्सव को वर्णना कर रहे हैं, ये आठवां श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव अच्छे तरह से चीज को समझो, आठवां श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव को वर्णना किया।
नंदर महोत्सव का पहला जो श्लोक है नंदस्तु आत्मद जाता लाज मान नंदस्तु आत्मज क्या कह रहे हैं सुंदर नंद का जो आत्मज आत्मा जो जो जन्म हुआ है कौन है श्री नंद लाला श्री कृष्ण कहने हैं इसलिए हम क्या कहते हैं नंद के आनंद मयो जय कहने अभी वसु श्री गंगाचार्य जब कृष्ण का नाम करना करने के लिए आए हैं कृष्ण का नाम करना करने के लिए आए और नाम करना करते हुए क्या कह रहे हैं देखो कहते हैं श्री नंद बाबा तुम्हारे जो बेटा है ना हैं क्वचित जात तवात्मज ये बेटा तो तुम्हारा है लेकिन ये जो पूर्व जन्म में कोई वसुदेव का नहीं बेटा हुआ है इसलिए इसका एक वासुदेव भी नाम रहेगा लेकिन बेटा किसका है कहते बेटा तुम्हारी बेटा है ये कौन कह रहे हैं श्री गंगाचार्य कह रहे हैं ब्रह्मा भागवत में जो ब्रह्म स्तुति का जो प्रथम श्लोक है कहते नव मिद्यते अभ्रम कुसे शैतंबराय ब्रह्मा कह रहे हैं वो क्या कहे अंतिम समय में ये कौन है कहते पशुपांग जाय पशु को मतलब जो गैया को चलाने वाले कौन है वसुदेव महाराज चलाते थे ना नंद बाबा चलाते थे पशु गैया नंद बाबा चलाते थे कहते जो कृष्ण कौन है बोले पशुपांग जाय पशु का मतलब जो पशु को पालना करे उनका अंग जो प्रकट हुआ कहते इसकी बड़ी सुंदर कथा सुन लो कहते श्री नंद बाबा का जो नंद बाबा के जो पिताजी उनका नाम था परिजन बाबा कहते इनके पांच बेटे थे कितना बेटे थे पांच सबसे जो बड़ा बेटा था उपानंद फिर सुनंद अभिनंद नंदन करके पांच बेटे थे जब श्री परिजन बाबा पहले नियम ये होता था 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते कहते 25 साल ब्रह्मचर्य 25 साल तक गृहस्थ उसके बाद में घर में रहने के लिए मना किया है देखो जो अंक आता है एका बन क्या आता है एका बन मतलब घर में नहीं वृंदावन जो भजन करने का पांच बन चौ बन ये बन बन शब्द आता है घर में नहीं जहाँ वृंदावन भजन करो मना करता है इसलिए बोले 50 ऊर्धे बनो ब्रज उसके बाद से कहते उनका तो 69 क्या आता है 69 बड़े सखिया बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा 60 61 62 फिर सखिया बन जाओगे लेकिन इनका कल्याण भी हो सकता है बड़े 69 क्या कहते हैं 69 70 71 73 सब लोग तो भैया तरह उनका कैसे तरह भी गोस्वामी जी कहते हैं सख सो धरे सत सा गत पाई ये सठों का कल्याण भी हो सकता है अगर कभी इनके सत्संग अगर मिल जाए तो कभी इनका कल्याण है इसलिए श्री परिजन बाबा जब उनको 50 साल हो गए ना उन्हें पांच बेटों को बुलाया बोले देखो बच्चों अभी मेरे 50 साल हो गया अभी 51 होने जा रहा है और घर गृहस्थ में नहीं रहनी चाहिए देखो तो बहू आएगी चाबी काठी लेकर चाबी फिर बहू के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इसलिए भैया लड़ाई होने से पहले घर से निकल जाओ वृंदावन में जाओ और भजन करो वहाँ पर है भजन करो अभी पांच बेटे को बुलाए जब बुला कर बोले बड़े बेटे को मैं सिंहासन में बैठा करके मैं जाना चाहता हूँ भजन करने के लिए लेकिन बड़ा बेटा बोला पिता यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ राजा बनने का जो मेरे अंदर नहीं ये अब नंद बाबा को राज सिंहासन बैठा सब खुश हो गए क्यों उनका नाम नंद नंद मतलब क्या होता है आनंद नंद जो सबको जो आनंद अभी नंद बाबा को सिंहासन में बैठाया चार बच्चों का तो संतान केवल नंद बाबा को घर में संतान नहीं इसलिए उन्होंने दान पुण्य यज्ञ तीर्थात उन्होंने बहुत कुछ कर दिया घर में के लाला जन्म हो जाए क्यों भविष्य में राज सिंहासन को कौन जमाए लेकिन जब किसी तरह सुनवाई एक दिन हम आपस में चर्चा कर रहे हैं हमने सारे व्रत रखा है लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं रखा एकादशी व्रत नहीं रखा कौन सा व्रत नहीं रखा एकादशी व्रत को कहते कल्पतरु व्रत कौन सा व्रत है ये बताओ एकादशी व्रत कौन कौन नहीं करते हैं लेकिन 26 एकादशी में एक एकादशी का नाम पुत्र पुत्रता मतलब जिस व्रत रखने से घर में पुत्र की जन्म होती है उन्होंने पुत्रदा एकादशी रखा पहले व्रत निर्जला व्रत रखते थे जिस दिन उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत रखा रात को जो सोए ना ठीक ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखो कई तरह का स्वप्न सही होता है देखो स्वप्न क्या है भले श्याम चंचल तार दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फूटमसौ
क्रीड़ा माया लोग करते। नंद जसोदा दोनों स्वप्न में गई और नींद खुल गई, नींद खुल गई तो नंदो बोले जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न नहीं, मेरे को लगा सचमुच से कोई बात सही है। बोले क्या देखे हो? फिर मैंने देखा जसोदा करी एक सुंदर बालक श्याम रंग का मेरे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है और कपड़ा पकड़ कर बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, भैया मेरे को दूध पिला लो। मैं चल रहा था। नंद बाबा बोले मेरे स्वप्न देख लो। मैंने भी देखा। बोले क्या देखे? बोले मैंने देखा तुम्हारी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पौर रहा है और दूध पान करते समय दोनों धार से दूध की धार दे रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरी गोद में लाला है। सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की। ब्रज में पूरा हल्ला हो गया, भैया नंद बाबा की मैया जसोदा की लाला होने वाले है। जितने ब्रज गोपियाँ थी ना 6-6 महीना पहले 84 ब्रज की लहंगा सुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो सबके सब पहन कर हम बधाई देने जाएंगे। पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहे। क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं जन्म लेने वाले ठाकुर जी। और नंद बाबा क्या बहनी थी जिसका नाम सुनोदा, वो तो 6 महीना से पहले आकर घर में बैठ गई जोर जबरदस्ती। क्यों? बोले भाभी गर्भवती हुई, बच्चा होगा ना, 9 लाख हार मिली मेरे को, 9 लाख मेरे को हार मिली। वो 6 महीना पहले से अगर घर काम काज कर रही थी, ऐसी लग रहा था मैंने आज रात वही बालक की जन्म हो जाएगी। अरे गाँव में 8 बजे तक जिंदे जगे रहते, इस बार सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12। अभी 8 से 10 प्रतिदिन पर ड्यूटी लगाए, वो लोग तो चिमटा और मजरा लेकर के बोले गोविंद जय 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 गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद। अभी 12 बजे तक जिसको ड्यूटी लगाए ना, इतने में जोग माया सबको सुना दी। कहाँ चिंता की नहीं, कहाँ बजीरा, आप कहाँ ढोलकी पड़ेगी। लेकिन इधर क्या हुआ, श्री जिस समय उन्होंने स्वप्न एक देखा, आकाश में एक बिजली जैसे चमक रही है जिसकी इधर लड़की और श्याम रंग का बालक, ये दो बालक नंद बाबा स्वप्न देखा, पहले मेरे हृदय में प्रवेश किया। अरे मेरी हृदय से फिर मैया जसोदा के हृदय में फिर प्रवेश किया। उन्होंने ये स्वप्न भी देखा। इसलिए कुछ बड़ी बड़ी गोपियों ने मैया जसोदा से बोले जसोदे तुमने लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चल रहा है? बोले तेरे जो होठ है ना खिला खिला होठ लगे ना लगे लाला होने वाले हैं। किसी गोपी ने बोली बोले कुमारी पड़े तो तुमने जुड़ में खेले तो नहीं खा लिए? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं। सचमुच से एक कृष्ण अरे नीचो माया भैया डर गई, पहला बार बच्चा और 2 बच्चे हो जाए। बोले चिंता मत कर, नाम जो करो अच्छो करे, कोई चिंता मत करो। अभी पता नहीं श्री वसुदेव महाराज मथुरा से एक कृष्ण लेकर के आए, वहां से कृष्ण लाए। तब गोकुल में कृष्ण पहले जन्म हुए, फिर जोग माया जन्म हुई, फिर कृष्ण कितने हो गए? कितने कृष्ण हो गए? फिर एक कृष्ण के आए, एक कृष्ण फिर कहां गए? ये शंकर जी, इस रुद्र जामल के ग्रंथ है, ये शंकर स्वयं कहते हैं। बोले शंकर की कहते पार्वती मैंने अपना आंखों से देखा। बोले क्या देखा तुमने? बोले जसोदा नंद श्लोक है, जसोदा नंद पत्नी च सुसुवाते स्वयं शंकर जी कह रहे हैं। बोले पार्वती मैंने स्वयं देखा मैया जसोदा ने दो बच्चा जन्म दिया, पहले तो कृष्ण को उसके बाद में जो माया। फिर कहते भैया एक और ये कृष्ण कहाँ गया? बोले स्वर्गे सौदा मिनी जना, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी तरह जो नंदनंदन में जो कृष्ण था ना वो पूर्णतम कृष्ण और मथुरा जो कृष्ण वो आए पूर्ण कृष्ण। ये पूर्ण कृष्ण को जो पूर्णतम कृष्ण दोनों एक साथ में मिले। लेकिन ये चीज वसुदेव महाराज समझ नहीं पाए, इन्होंने सोच रहे थे तो लाला रख करके आया। इसलिए देखना नंद बाबा का तो मैंने भी मेरा भी लाला वसुदेव महाराज किया तो मेरे लाला देखो। और जो सबसे बड़ी प्रमाण बच्चे माताओं में कौन कौन बच्चा जन्म दिया होगा, माता पिता कौन कौन बच्चे जन्म दिए, देखो ये भागवत का प्रमाण दे दो। नियम है बच्चे का नाड़ी कटने से पहले जो दान की जाती है ना वो दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया। नाड़ी कटने से पहले दान होनी चाहिए। जब श्री नंद बाबा ने सुना है इतने में सबके सब सोए पड़े हुए थे, सबसे पहले सुनूंगा कि आप सुनिए। बोले भैया सबके सब अचेतन होकर पड़े हुए। बोले भैया भाभी का हालत क्या है? दरवाजा खोल कर देखती है ना एक काल अश्याम सलोना से एक सुंदर बालक को पहुंच रहा है और पीता ही मान को ये खेल रहा था वहां पर।
बोले भैया किसको पता है निकला लाला की कब जन्म हो गई, ये सबसे पहला खबर सिर्फ नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर तो मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा हे काम ढूंढ तो ढूंढते ढूंढते देखा वो ब्रह्मांड निकास में माला जप कर गई, वो माला जप नहीं हो रहा था, बोल रहे थे छोरा कब है बोल लाला कब है बोल छोरा कब है बोल छोरा कब यही कहीं जप जप कर रहे थे। इतने में सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गए हुए, इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दी, बोले बहन ही कहाँ गए हुए। सुनंदा कहती भैया ये बताओ पहले मेरे को मिलेगा क्या बताओ, उसके बाद भी बताओ, बोले ले नवला की हार तू ले ले, बताओ तो सही कहा गयो है। बोले बाबा बात इतनी बड़ी बात है ना, जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले क्या बोल रहे नवला की हार है। बोले बाबा बात भी तो बहुत बड़ी है और बता क्या लोगे, बोले जा जमुना किनारे में जितना गैया चल रहे जितने जमीन जगह तेरे नाम पर लिखवा दिया, बताओ तो कहा गयो तो बताओ। बोले बाबा ये जमीनी जगह तभी उसको सामने कुछ भी नहीं है, बोले क्या बोल रहे हो सारे जमीनी जगह दे दिया बता और क्या, तो बोले ट्रेजरी का सारे चाबी का डिब्बा पकड़ लिया जो इच्छा ले रहे आप, लेकिन बता तो सही घर में कहा भय है। बोले भैया नंद बाबा तेरे घर में दूसरी नंद के लाला की नंद बाबा को वहीं से दौड़ लगाए, देखो ये चीज कितना बड़ा प्रमाण है, नंद बाबा वहीं से दौड़ लगाए जब उन्होंने पहला बार लाला की मुख दर्शन किया, नाड़ी कदम नहीं किया आपको बताया ना, नाड़ी कदम होती है कि नहीं भैया के पेट से नार रहती कि नहीं कटती है, इसलिए उन्होंने नाड़ी छेदने से पहले उन्होंने संकल्प किया ब्राह्मणों को बुला करके और ब्राह्मण संतों को और बुला करके मैं इनको नवलाक गया दान दूंगो और सात तिल का पर्वत ब्राह्मण संतों को मैं दान दूंगो नाड़ी छेदने से पहले। इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो ये ब्रजवासी कभी भी नहीं मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, बोले क्यों, बोले जिन माताओं ने देखना माताओं को नाड़ी छेदन करती ना अभी तो हॉस्पिटल में चली जाती, पहले माताएं नाड़ी छेदन करती थी, ब्रज गोपियां कहती हमने अपना आंखों से देखा माँ की पेट से जन्म हुआ हमने सोए हम अपना हाथों से नाड़ी छेदन करी, तो कृष्ण कैसे नंदन किए वसुदेव नंदन कैसे हो जाएगी, वसुदेव ये नंद नंदन है नंद जसोदा नंदन है। अरे बोलो तो जो वसुदेव महाराज हाँ उनका भी बालक हुआ है, लेकिन वो जो बालक है ना ये अंश रूप में, लेकिन जो पूर्ण रूप में जो कृष्ण हुए हैं ये गोकुल हुए, इसलिए क्या कहते हैं नंद के आनंद भयो, इसलिए कोई नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो, आनंद किसको भयो है नंदो का आनंद भयो है, क्यों घर में बेटा इनकी जन्म हुई उसको बाद में खड़े नारी छेदन की, फिर सारे ब्रज गोपियों को नौका देती है, सारे ब्रज गोपियां सज सज करके दूध दही मिश्री मक्खन लेकर के सबके सब पधारते कहाँ पर गोकुल में पधारते हैं और श्री नंद बाबा मैया जसोदा को बधाई देते हैं। देखो मैं बोलूँगा नंद जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, बोले नंद जसोदा बधाई हो, आनंद नहीं आया देखो बधाई होती है हमारे प्रभुजी की तो बधाई देते हैं और जोर से बोलो बोले नंद जसोदा बधाई हो। नंद जसोदा बोले बधाई हो ब्रजवासियों तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़े और बूढ़ी उम्र में ही बड़े बूढ़ी और बूढ़े उम्र में भी लाला को मुख दर्शन करने को मिलोगे, लाला मेरो नहीं लाला तुम लोगों को लाला है, जितने ब्रजवासी है ना कृष्ण को हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे, क्या बोले थे जुग जुग जियोरी Yeah.
यहाँ पर कृष्ण जन्म होने पर राधा रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होती है ना, इसलिए ये कृष्ण जन्म होती है। बैठा बैठ जाओ अगर राधा रानी, अभी राधा रानी जो उठते हैं वही फिर उसमें जा रहे हैं। बैठ जाओ ए प्रभु जी, बैठो बैठो। हाँ देखो राधा रानी कैसे यहाँ जन्म लेती है, देखो इधर सुनो। अक्सर करके लोगों को पूछो है ना, राधा रानी कब कहाँ पर जन्म हुई, अब क्या बोलोगे बताओ? सारा दुनिया बोलेगी बरसाना में, सारा दुनिया बोलेगी बरसाना में, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, किस चीज को समझो? जो राधा रानी बरसाना में जो जन्म हुई वो दूसरी कल्प में राधा रानी जन्म हुई, क्योंकि हर कल्प में ब्रह्मा का एक दिन में राधा और कृष्ण एक बार आते हैं, राधा और कृष्ण एक बार आते हैं, इसलिए दूसरी कल्प में राधा रानी बरसाना में जन्म हुई। लेकिन इसी कल्प अभी जो द्वापर युग हुई है राधा रानी नहीं बन जाती, क्योंकि जो ब्रजवान महाराज नंद बाबा बड़े मित्र थे, आपस में बड़े मित्र था दोनों का, जब कहीं जाते थे ना वो ज्यादा दूर नहीं रहा करते, पास पास में, जैसे पहले जैसे नंदगांव में जब नंद बाबा रहते थे, ब्रजवान महाराज कहाँ रहे, बरसाना में। जब उन्होंने उसको छोड़ करके फिर उन्होंने नंद बाबा कहा गोकुल में आ गए, फिर इतने में श्री विश्वानु कहा यहीं पर आ गए, क्योंकि गोकुल यहाँ पास में, वो पास पास में रहा करते थे, दूर दूर में नहीं रहते थे, यहीं पर विश्वानु महाराज यहीं पर रहते थे। यमुना देखो, यमुना जो पास में ना, यमुना यहीं बह रही है, यहीं से प्राप्त किया है। इसलिए श्री राधा रानी कैसे जन्म हुई देखो, अमर रूप गोस्वामी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, कहते शंकर जी के साथ में जो साथी किसकी हुई, पार्वती। पार्वती का पिता कौन है बोलो, पार्वती का पिता कौन है, कौन है, हिमालय। पार्वती का पिता हिमालय, इसलिए अभी हिमालय का बेटी पार्वती, पार्वती की शादी किसको साथ में हुई, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम। अभी जिसका दामाद अगर इतना बड़ा हो है, अगर इसका पिता अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए ना, नहीं तो राष्ट्रपति ना, बात बात पर बोले जानते हो, भले ही बड़े दूर से संबंध होगा, अगर मेरे अमुक का अमुक का अमुक ना होगी मोदी, नहीं तो योगी, हाँ पता नहीं कहीं संबंध जोड़ लेगा। इसलिए जिनका हाँ जिनका दामाद स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम होगा वो तो कितने प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए बड़ा अभिमान, वो दूसरे दूसरे पर्वत को पास में लेकर जाकर बड़ा नहीं जानते थे, जानते हो बात बात में, जानते हो मेरे दामाद कौन है, बोले कौन, बोले सत्यम शिवम योगी योगी देवदेव। अभी समझेगा एक विंध्याचल का पर्वत, बड़ा उसको अभिमान आएगा, स्वाभाविक था इतना अभिमान, हाँ हर समय सबको बात में ठीक आके, उसने कहा ठीक है अभी तुमको दिखाता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी को उपासना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले बताओ तुमको क्या बल चाहिए, बोले मेरे को ऐसे ऐसे दामाद चाहिए ना जो शंकर जी से सुंदर हो, शंकर जी का पति हो, शंकर जी का इष्ट हो, हर तरीका से शंकर से सर्वश्रेष्ठ हो, और मेरे दामाद का जो सेवक की स्वयं शंकर होना चाहिए। उन ऐसे ऐसे मेरे को एक दामाद चाहिए, ब्रह्मा जी तुम संतुष्ट हो आशीर्वाद दे दिए, बताओ दामाद कब होगा, बोले बेटी हो तब तो दामाद होगी ना, पहले बेटी तो दामाद होगी, बेटी होनी चाहिए। लेकिन इस सब गुण से शंकर से सुंदर श्री कृष्ण है, सबसे सुंदर रूपवान गुणवान, और शंकर जी कौन है, शंकर जी कौन है, बोले शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान के सबसे प्यारे भगत जी भले वाला है। इसलिए अभी बेटी हो तभी तो दामाद होगा, लेकिन जो राधा रानी नित्य जो पुत्री है कृतिका मैया, हाँ कृतिका सुंदरी कहते हैं ना, कृतिका की बेटी कहते हैं। अभी कृतिका सुंदरी गर्भवती थी, जब गर्भवती थी ब्रह्मा जी योग माया को आदेश दिया, योग माया ने किया कि उन्होंने कृतिका सुंदरी से राधा रानी को निकाल दिया, और जो चंद्रभान महाराज उनकी पत्नी की गर्भ में चंद्रवाली थी पास में उनके गाँव में, ये दोनों बच्चों को गर्भ से निकाल करके उन्होंने विंध्या चले की पत्नी की गर्भ में धारण कर दिया। जब धारण कर दिया उपयुक्त समय होने पर राधा और चंद्रावली दोनों बहन लेते हैं, दोनों उन्होंने जन्म हुए, जब जन्म हुए लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय श्री वसुदेव महाराज यहाँ पर कृष्ण को रख करके जोग माया को ले गए ना, इतने में कंस उसको प्यार पकड़ कर जो पछाड़ने के लिए गया, इतने में उसको एक ठोकर मारे और इतने में आकाश में उड़ गई, और अष्टभुजा धारण करते हुए देखो क्या कहती है, बोले रे मूढ़ कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया, देखो ये क्या कह रही है, तेरे को मारने वाला कहाँ जन्म ले लिया,
और वही जन्म ले लिया, वो भी सही बता दी, वो अरे वही जन्म ले लिया। शंकर जी ने देखा भैया ये तो मेरी कुलदेवी है, ये तो कभी झूठ बोले नहीं सकती, कुलदेवी मेरी ना, ये कभी झूठ बोले भी नहीं। इतने में उन्होंने अपना सभा बुलाया, अघास रूप अकाश रूप ना पर सकटा स्वरूप उतना हो, चलो बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले चिंता क्यों करते हो, कहीं संतान जन्म होगा एक महीना अंदर में ना, बोले हाँ, बोले सबको मैं मार डालूंगी, मैं अपना मन मर्ज रूप ले सकता, बोले बहन जल्दी करो। इतने में पुतना सब जगह में जाकर के बच्चों को मार रही थी, हल्ला हो गया, किसको घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहते, क्या हो गया, कौन आकर के मार जाती है। इतने में विद्या चलो बर्बाद, बड़ा चिंता में, भैया मेरे भी दो बेटी है, वो ना हो दोनों बेटी तो चले नहीं जाए। सचमुच से पुतना कब आई और उनकी दो बेटी को पकड़ी और ले गए तो ऊँट चली। जब ऊँट चली विंध्याचल को पता चला मेरी दो बेटी ही गाय, उन्होंने अपना कुल को नहीं तो को बुलाए, बोले ऐसे उच्चारण मंत्र, बोले मारने का मंत्र प्रयोग करो जिसे मर जाए। इतने में उन्होंने उच्चारण मंत्र प्रयोग किया, पुतना तो छटपट 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 करने लगी, ये छटपट करने लगी। हाँ इतने में पुतना डर करके क्या की, राधा रानी को तो यहीं छोड़ दी, थोड़ी दूर में ही चंद्रावली को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए। और वृषभ महाराज रोज इनका नित्य नियम था, जब जमुना यहीं पर बह रही थी तो सोच रहे थे घर में तो एक बेटा है, पता नहीं गर्भ में तो बेटी आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब गए उन्होंने यमुना में उतरे, देखा है कि सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदर एक कोमल एक छोटी सी बालिका पीकर मारती हुई है, और उनका शरीर का तेज से चतुर्दी को उद्भासित हो रहा था और पानी में बहते बेटा आ रहे। फिर सुबह महाराज देव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें पानी में उतरे और बेटी को उन्होंने गोद में ले लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और उन्होंने ला करके श्री कृतिका सुंदरी को दिया, देखो ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दी, देखो बेटी बेटी का यही किए। मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, कृष्ण तो अकेले कहीं आएंगे नहीं, वो तो अपना शक्ति को साथ में आएंगे। अभी नारद जी गली गलियों में घूम रहे हैं, किस घर घर में कहाँ पर राधा रानी, कहीं यही था कहीं दिशा था कहीं कृष्ण के सका लो, लेकिन राधा रानी मिल नहीं रही। लेकिन जब भ्रमण करते करते यहीं पर आए ना, वृषभ महाराज के घर में कोई संतान हुआ है, हाँ उन्हें सिर्फ कहा भैया को दिखाई, बोले नहीं कोई बेटी भाई की नहीं, क्योंकि वो बेटी बेटी को यमुना से प्राप्त करती है, बोले हाँ घर में एक बेटी की भरी है, बोले लाओ। जब उन्होंने लाएगा नारायण तक लेकर भैया ने, बोले यही तो कृष्ण की लाजनी शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति यही तो श्री राधा रानी, इनको तो मैं गली गली में ढूंढ रहा था। अभी श्री नारद जी की इच्छा है थोड़ी सी राधा रानी को स्तुति करे, लेकिन उनको पिता माता क्या सोचते हैं, बोली तो मेरे लाड़ी लाली है, उनको तो पता नहीं ये सही सर्वेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शास्त्रेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधिके नमस्ते, यही सर्वशक्ति भगवान की लाजनी और पराशक्ति है। उनने बहाना बनाए, बोले थोड़ा फूल ले आओ अपना बच्ची को, थोड़ा मैं सोचती बात नहीं करके आशीर्वाद दूंगा। जब उन्होंने अंदर में गए ना, छठ राधा रानी किशोरी बन गई, ललिता विशाखा प्रकट हो गई। ललिता कह रहे नारद जी क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। इतने में श्री नारद जी ब्रज में विशेष कर नंद और यशोदा को नौता दिए, मेरे घर में एक लाली भरी है, आओ दर्शन करो उत्सव करेंगे। लेकिन राधा रानी जन्म से आंख बस करके रखी, बोले क्यों, बोले सर्वप्रथम देखने का अपना प्रियतम कृष्ण को देख करके फिर दुनिया को ले देखेंगे। इतने में श्री श्री राधा रानी कृष्ण से पदर्गनी छोटी है, कितना दिन पदर्गनी छोटी है, इसलिए जब श्री मैया यशोदा आई अपना लाड़ी लाल कृष्ण को भी लेकर के आई,
और जिस पलंग के ऊपर में से किशोर जी लेके हुई थी, उनने कृष्ण को लाकर पास में सुला दी। सुला दी ना, इतने में कृष्ण अपना हाथ रखी राधा रानी के ऊपर रख दिए। और राधा रानी के ऊपर रखते ही राधा रानी के शरीर में श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण अष्टसाक्षी प्रेम प्रकट होने से लग गया। राधा रानी समझ गई मेरे पिए तो सामने आ गए, मेरे लाला तना सामने आ गए। इतने राधा रानी आँख खोल दी। जब आँख खोलना सामने किसको देखी, श्री कृष्ण को देखे। वृषभानंद महाराज तो मन में तो आनंद था, लेकिन थोड़ा दुखी थे। पता नहीं बच्ची जन्म से ही आँख बंद करके हमें अंदर अंदर में कुछ सोच रहे थे, लेकिन जब राधा रानी देखा आँख खोल दिए ना, वृषभानंद महाराज इतने प्रसन्न हुए। बड़ी धूमधाम से उन्होंने श्री राधा रानी की जन्म उत्सव मनाए। राधा रानी तो मनाते हैं, बोले राधा जन्म सुनिए मैया के दो हरि बोल हरि बोल।